फ्रेंड्स, व्हाट्सएप जो है आज के समय में काफ़ी यूजफुल ऐप बन चुका है, जिसे हम ऑफिस के यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं एंड फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्ट होने के लिए भी यूज़ करते हैं। चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना हो, किसी तक कोई बात पहुंचानी हो, तो हम आज के समय में व्हाट्सएप का ही सहारा लेते हैं। चाहे वो बॉस बोले या फिर कोई फैमिली मेम्बर बोले, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना हो, हम जस्ट कहते हैं कि व्हाट्सएप पे हो क्या, और व्हाट्सएप पे है तो आप उसे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और आज के समय में ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, यहाँ तक कि लोग फेसबुक पे या ईमेल के लिए भी उतना नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा ईमेल आईडी दो, मैं ईमेल कर देता हूँ, बट व्हाट्सएप पे हो क्या, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। चूँकि व्हाट्सएप जो है आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है, ऐसे में क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन के समय या तो चाहे आपके कोई फ्रेंड्स आपसे रूट जाए या कोई फैमिली मेम्बर रूट जाए या किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी से भी अगर लड़ाई हो जाती है या रूट जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बातचीत चाहे करना बंद कर दे, बट उसकी जो फ़ोटो होती है यानी कि प्रोफाइल फ़ोटो होती है, DP जिसे हम कहते हैं, उस पे लोग ट्रैक करते रहते हैं, वो बार बार चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि अरे देखते हैं आज इसने क्या कौन सा DP लगाया है, तो इस तरह से जो है हम उसे ट्रैक करते रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी सहायता से जो है आप देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल किस किस ने व्यू किया है, I mean कि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या I mean कि वो सामने वाला जो है आपकी आपको फॉलो कर रहा है। तो अगर किसी की नाराजगी भी हो तो आप समझ सकते हो कि वो स्टिल बात करना चाहता है, तो आप जो है उसे बात कर सकते हैं ताकि आपके रिश्ते जो है और अच्छे हो जाए। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि है व्हाट्सएप ट्रैकर। व्हाट्सएप ट्रैकर करके आता है ऐप, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें आपको करना क्या है कि ये थर्ड पार्टी ऐप है और इसमें जाके आपको जो है डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम गूगल प्ले स्टोर पे आ गए हैं, ये सिर्फ प्ले स्टोर के लिए ही है, आईफोन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रैकर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हु व्यूड माय प्रोफाइल पे आके क्लिक किए, और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है, और ये वेरीफाई कर लेने के बाद जो है इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये ओपन कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है परमिशन मांग रहा है कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस एक्सेस करने के लिए, अलाउ कर दिए। अब यहाँ पे साइन अप के लिए भी ऑप्शन मांग रहा है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट करके आप रेडी हो सकते हैं, और मैंने ये कर लिया है यहाँ पे। और रेडी करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे चलिए तीन सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि विजिटर्स है, विजिटेड हैं एंड कॉन्टैक्ट्स है। विजिटर मतलब जो हमारे प्रोफाइल पे विजिट किया, विजिटेड मतलब हम जिनका प्रोफाइल व्यू किए। तो ये दोनों सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि हमने किस किस का देखा है, हमारा किसने देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि आपका DP जो है किस किसने देखा हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा पेड भी एडवर्टाइजिंग। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि व्हाट्सएप का ये ऑफिशियल साइट है नहीं, ना व्हाट्सएप का ऑफिशियल तरीका है ये, और ना ये व्हाट्सएप का ऑफिशियल ऐप है। तो आप अपने रिस्क पे देखना चाहते हैं कि कैसे काम करता है तो आप कर सकते हैं, बाकी इसके लिए जो है आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने डेटा या अपने कॉन्टैक्ट्स या अपने जो है व्हाट्सएप को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेड नहीं है, बट एज फॉर एजुकेशन और नॉलेज पर्पस मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको ये ट्रिक्स पता थी क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करने के लिए कहता हूँ। व्हाट्सएप के बारे में और भी मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए।